ये लग रहा है, ये ओ हो, अब जो आएगा बोलेगा यही आग जला के दिखाओ। बिरयानी का हम लोगों ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं लियाकताबाद में और आप लोगों को बहुत निहारियाँ आप लोगों ने खाई होंगी, लेकिन आज हम लोग आपको लेकर आए हैं देसी घी की निहारी खिलाने के लिए। पहले भी हमने भाई की एक ब्रांच की एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कस्तूरी दूध था ओरिजिनल छुहारे वाला, तो वो भी आप लोगों को उनकी एक और ब्रांच में लेकर आए हैं जहाँ पर देसी घी की निहारी है और ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी है। तो मैंने कहा आपको मज़े मज़े के जो खाने हैं हमारी वीडियो के जो ज़रिए से पता चलते रहे चैनल के ज़रिए, तो चल के यार देखते हैं कि जी वाकई में देसी घी की निहारी यहाँ पे जो बनाई जा रही है तो उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा भाई, ये हम आ चुके हैं शॉप पे और ये देसी घी जो है डाल रहे हैं भाई। एक नंबर देसी घी खुद बनाया हुआ, दूध भी अपना, घी भी अपना। अच्छा सही हो गया। अब ये क्या करने लगे हैं इसका? तड़का लगेगा, फिर तड़का लगाए खिलाएंगे। खुद भी खाते हैं आप? जी। चलो भाई लगा दो भाई तड़का। अभी तड़का ये नीचे चूल्हा लगाया हुआ तुमने पहले का? अच्छा सही है। अभी ये तड़का भाई लगाने लगे हैं भाई और इसके बाद जो है ये हमें देंगे। और भाई का दावा है कि ऐसी जो निहारी है ना आपने आज तक जो है ना खाई नहीं होगी। हमने काफ़ी सारों का नाम लिया, जावेद आगे पीछे और लोगों का नाम लिया, इदरीस भाई का भी नाम लिया, काफ़ी सारे लोगों का, लेकिन उन्होंने बोला भाई आप एक दफ़ा खाएँ, क्योंकि हमारी लोकेशन थोड़ी सी अंदर है, रोड के ऊपर नहीं है, तो लोग चलता फिरता इतना बंदा आता नहीं है। अब ये लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी निहारी का हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे, खा के आपको बताएंगे कि भाई निहारी का क्या टेस्ट है, और तनवीर भाई बताएंगे खा के आपको, और इसके बाद बिरयानी भी इनकी। अच्छा, लोग नॉर्मली क्या करते हैं बिरयानी के अंदर जो है सेला चावल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिरयानी के अंदर बनस्पति चावल जो है यूज़ हुआ है, ये बड़ा रेयर होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सेला चावल आप इजीली कैरी कर सकते हो और देर तक वो ठंडा भी होता है तो चल जाता है, लेकिन बनस्पति चावल जो हम लोग घर में नॉर्मली बना के यूज़ करते हैं उसको कैरी करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसके अंदर ये क्या होता है, बस यूँ बिरयानी बनी और यूँ पेश की गई। तो ये भाई निकाल रहे हैं, खुद खाते हो बिरयानी अपनी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगती है तुम्हें? ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बासमती चावल होती है। अच्छा, कितने की प्लेट है? 120 रुपए की ये वाली जी चिकन। और बड़ी प्लेट? बड़ी प्लेट 240 रुपए। 240 की जी। एक में भी बंदे का पेट भर जाएगा? एक बंदे का आराम से पेट भर जाती है। पेट भर जाएगा जी। तो अभी पहले हम लोग एक निहारी का पहले एक वो लेते हैं रिव्यू, और उसके बाद फिर हम लोग बिरयानी की तरफ भी आएंगे। दोनों चीज़ें आप लोगों को खा के जो है ना हम लोग अभी दिखाते हैं। और ये देखें फुल देसी घी को जो है ना खोलता हुआ दहकता हुआ देसी घी जो है ना ये ला रहा है। प्याज भी डाली जाएंगे इसमें? बस ठीक हो गया, रेडी कर लो हमारे लिए। ऐसी निहारी बनाना कि बाकी निहारियां लोग भूल जाएं, और ऐसा नहीं हुआ ना अगर। ये आपके लिए बॉन्ग स्पेशल ये मैंने निकलवाई। बॉन्ग निकलवाई है? सही हो गया। देसी घी के तड़के के साथ भाई, और यहाँ पे निहारी साथ साथ जो है ना तैयार भी हो रही है। ये भी आप लोगों को हम दिखा दें कि यहाँ पे देखें निहारी इस टाइम पे भाई तैयार भी कर रहे हैं और हमारे लिए जो बनी हुई निहारी इन्होंने थोड़ी देर पहले बनाई है वो हमें दे भी रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है, तो अभी जैसे ये तड़का लगाते हैं तो फिर बाकी काम आपको आगे अपडेट करते हैं। कलर का भाई एक की अल्लाह खैर क्या वो देसी घी के ऊपर भी आग लगा दी। इसका कट करके दोबारा बनाएंगे। हाँ मैं बोलूँगा ना वरना वो मिक्स हो जाएगा।
ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये ओहो। अब जो आएगा बोलेगा यही आग जला के दिखाओ। यही आग जलती हुई चाहिए भाई। देखा क्या लावा ले आया ढालने के लिए ऐसे भाई। ये ओह ये है, ये है वो दहकती निहारी। अभी ये जा रही है और ये मुझे लग रहा है कुछ काम करेगी आज। ये भूख तो ऐसी लग रही है मुझे और महक भी ऐसी आ रही है कि मज़ा आ जाएगा आज। तो फिर आओ मेरे नाल। ये है जी गरम रोटी और निहारी का मेल। ये देखें आप जी, ये है वो गरम रोटी और ऐसी गरम है ना धुएं निकलती हुई रोटी। निहारी का कॉम्बिनेशन बनता ही इन रोटियों के साथ है। यहाँ से गरम निहारी है, यहाँ से गरम रोटी, आपके हाथ जल जाए मुंह जल जाए, खानी गरम रोटी है। कहिए भाई इतनी गरम, उसके बाद बोले यार मुंह जल गया, अबे क्या आसमान पे चिपकाएगा रोटी को भाई। ये देखें जी, ये है वो गरम रोटी। भाई ने कहा रोटी भी तो दिखा दो साथ, कौन सी रोटी साथ खाएंगे। ये है भाई रोटी, सही है भाई रोटी सही है। ओके भाई, ये हो गई बिरयानी और ये है बनस्पति बिरयानी मसालेदार। मैं कहा तनवीर भाई मुझे रात को 2 बजे बिरयानी में लेके गए थे खिलाने के लिए, अब मैं इनको लेकर आया हूँ बनस्पति राइस की कड़क किस्म की बिरयानी। और इसके अंदर ना मैं किसी को सोता हुआ नज़र आऊँगा, ना मैं किसी को टन नज़र आऊँगा, ऐसी कड़क रिव्यू देंगे ना, जहाँ बिरयानी वहाँ तनवीर भाई, भाई मिल के देंगे रिव्यू। आ जाओ फिर। मैं भी आ गया हूँ, तनवीर भाई भी आ गए। तनवीर भाई हाँ, आज आपको पता चलेगा कैमरे के शॉट्स कैसे होते हैं, क्योंकि बेहतर कैमरामैन मिला आज भाई ने वीडियो बनाई है, भाई शूट की है और लग तो बड़ा अच्छा रहा है माशाल्लाह। खासतौर पे ये देसी तड़के वाली नहारी मैंने पहली बार देखी है भाई, पहली बार देखी है। हाँ क्योंकि सुना था पंजाब वगैरह में मिलती है, कराची में तो आदमी खालिश नहीं मिलता, देसी घी का क्या मिलेगा। देसी घी यहाँ पर कोई खाता भी नहीं वैसे, लेकिन ये है कि भाई का दावा है हमारा अपना डेयरी का काम है, तो दूध भी अपना, देसी घी भी अपना, नहारी भी अपनी, बिरयानी भी अपनी। तो छोड़ के आ रहा है ना, कुछ भी छोड़ा ना। चलो शुरू करें भाई। मैं सबसे पहले बिरयानी भाई, और भाई आप निहारी बात साफ करो। नहीं पहले आपके आपकी बिरयानी का रिव्यू लें। अच्छा बिरयानी बिस्मिल्लाह करें आप। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग तो बहुत स्पाइसी थी। और वाकई देखें एक चीज़ इधर आई, मैं ज़रा भाई को कहूँगा जो कैमरा पकड़े हुए, देखें जो बाबर भाई ने कहा था ना वो वीडियो में बासमती चावल है, बासमती चावल है, वो उसकी पहचान क्या है, ये पतला है, ये मोटा नहीं हुआ। अच्छा सेरा चावल में क्या होता है कि वो मोटा होता है और वो फैलता है। अच्छा वो उसमें होता है क्या, उसमें बचत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा जज्ब करता है, वजन ज़्यादा करता है। हाँ उसका नुकसान ये होता है कि वो थोड़ी सी भी खाओ ना तो आपके पेट में आके ना हज़म नहीं होता इतने अच्छे तरीके से, हज़म आसानी से होता है। खा के हज़म करके दिखाया। हाँ हाँ ये तो दिल मेरा खुश हो जाएगा आज भी बासमती चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रॉपर बिरयानी, यानी कराची में जो बिरयानी के नाम पे धोखा मिलता है ना वो, ये वाकई बिरयानी। और क्योंकि बीफ बिरयानी में जायका देना बहुत आसान है निस्बतन चिकन बिरयानी के, और भाई इस चिकन बिरयानी में चावलों में जायका है, मतलब बोटी नहीं खाई अभी हमने, तो एक चम्मच ही है। चावलों में टेस्ट था पूरा प्रॉपर, आपको मसाले महसूस हो रहे हैं जो सबसे अच्छी बात, यानी चावलों में अगर जान है ना बिरयानी की, वो बिरयानी कामयाब होनी ही होनी है, देर सवेर से वो कामयाब होगी बाबर भाई। तो सबसे बड़ी बात चावलों में जायका आ रहा है ना। बिरयानी ज़बरदस्त है भाई। और ये बिल्कुल वाली है शादियों वाली ना। हाँ शादियों में जिस तरह बनती है बिल्कुल, जो पकवान बनाते हैं बिरयानी एक्सपर्ट तो है तनवीर भाई हैं, जहाँ भी इनको बिरयानी दिखती है पहुँच जाते हैं रात को 2 बजे लेके, सुबह 5 बजे लेके। लेकिन ये कि बिरयानी मैं भी साथ में ट्राई कर, मैंने तो करी है, मैं इतनी मसाले वाली खाता नहीं हूँ जितनी तनवीर भाई खाते, लेकिन ये है कि जो मैंने उनकी प्लेट से खाई है उसमें मसाले बड़े ज़बरदस्त हैं। गोश्त प्रॉपर गला हुआ है ना, ज़्यादा ऐसा है कि ज़्यादा पक गया है, बोटियाँ टूट रही हैं ऐसा भी नहीं है। जिसका तनवीर भाई ने कहा कि चावल जो है ना छेला नहीं है बनस्पति है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे भाई आग है ना, ये बिरयानी जो है ना हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, आग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना सही है ना। आना 120 रुपये की सिंगल प्लेट है, 220 रुपये की बड़ी प्लेट है, ऐसा ही है ना भाई। तो ये आके ट्राई एक दफ़ा करना, और आपको एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे भाई के पास आना। और भाई अभी हम आपको निहारी की भी डिटेल अभी देते हैं कि निहारी का क्या चीज़ है, तो फिर अब ये खाते हैं तो बाकी एंड में बताते हैं। और निहारी शुरू करते हैं ना, ले सेकंड दूर पे लगा दिया मुझे। अच्छा ठीक है, निहारी की बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मैंने आज 2 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, तुम लोग बार बार कहते हो भाई भूल जाता हूँ, भूलते नहीं है, दिल में भी पढ़ लेते हैं बातों का।
मिल जाए। यार निहारी को बिरयानी का नंबर लेगी मेरे नज़र में। हाँ उस अस्थि का तड़का लगाया ना उसमें, वो कहते ना सोने पे सुहागा, उसने वही काम किया। अच्छा एक तो निहारी उमर हमारे यहाँ ना शहर के अंदर, मुझे स्पाइसी पसंद है लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है मिर्ची ज़्यादा करने के साथ लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और निहारी में भी धोखा चलना शुरू हो गया। तो ये प्रॉपर निहारी बनी हुई है ना, जायका आपका निहारी जो प्रॉपर जायका होता है, निहारी का प्रॉपर जायका है। हाँ मतलब मसाले बहुत नॉर्मल है, यानी आप जैसा बंदा भी खा सकता है, मेरे जैसा जो टेस्ट खाता है वो भी खा सकता है, क्योंकि जायका अच्छा होगा ना तो फिर टेस्ट कम में चल जाता है मामला। अगर जायका अच्छा नहीं तो फिर कोई नहीं खाता, लेकिन बड़ा मज़ा आया। अब मैं ज़रा हाँ जायके में बड़ा हाँ सही बेहतरीन किस्म की जगह, 2 बजे वाली बिरयानी का सही बदला लिया आज आपने, बदला लिया 2 बजे वाली बिरयानी का। राम भाई क्या कितने की प्लेट है ये वाली? ये देसी घी वाली, तो बोल ₹250 की ये प्लेट देसी घी की, ये आप जो खा रहे हैं ₹250 की भाई, देसी घी के तड़के के साथ भाई ₹250 की फ्री है, जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं, पास ही पास है भाई। अभी आपको इस्लाम भाई से ही मिलवाते हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं सारा, और उनके भाई से भी सुल्तान भाई से ही मिलाते हैं जो आपको नर छुआरे में नजर आए थे ना, उनसे ही मिलवाते हैं। अच्छा वो ब्रांच शुरू बनाई थी बाबर भाई, भाई इस नारी की सबसे खास बात पता है क्या है? ये बहुत गाढ़ी नहीं है, वो जो होता है ना एकदम वो आपके पेट में आके हो जाती है। हाँ। ये प्रॉपर जितना घर में बनती है ना, घर के स्टाइल की, उस स्टाइल की है, मतलब ये आप खाओगे ना यानी ऐसा नहीं होगा, मुझे जो फील हो रही है अब तक कि आपको ऐसा नहीं लगेगा ये बहुत भारी हो गया पेट खाने के बाद, होता है निहारी खाने के बाद आपको और लगता है कि यार बात साग तो हजम ही नहीं हो रहा कुछ, तो ये वो निहारी नहीं लगी मुझे, ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैंने बाहर से इतना खाना खाया कि अब ऐसा हो गया है गंदा खाना अंदर जाता है ना तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। मैं नॉर्मली आपको अपनी बिल्कुल बात तरह को बताइए बात, मैं गंदा खाना बाहर का खा लूँ ना मेरी तबीयत फौरन ख़राब हो जाती है, लेकिन ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी तबीयत बिगड़ी है ना भारी कम फील हुआ है, ये भाई आके एक दफ़ा ना खा लेना। फिर हम पूछते हैं कि अभी सुल्तान भाई से भी और इस्लाम भाई से भी कि इसकी क्या डील कोई निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे, तो ये सब भाई पूछ के ये पहले हम खाते हैं और फिर आपकी दोनों भाइयों से फिर मुलाकात। आपका क्या नाम है भाईजन? नौमान भाई। आप? अली भाई। आप भाई? सही हो गया, बेहतरीन भाई। ये देखें कैसा गाढ़ा दूध है, ज़बरदस्त, इसी से बनता है देसी घी। चलें चलें ज़बरदस्त हो गया जी, बेहतरीन। ये भी देख लें भाई करीब से। दोस्तों निहारी और बिरयानी का हम लोगों ने रिव्यू आप लोगों को दे दिया, और सुल्तान भाई हमारे साथ हैं। सुल्तान भाई माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त भाई, मुझे बिरयानी ही बहुत अच्छी लगी। तनवीर भाई बिरयानी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपनी एक्सपर्टीज़ अपनी एक्सपर्ट राय जो है वो दी। बिरयानी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे ज़्यादा अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे निहारी आपकी बहुत ऊपर लगी, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट निहारी लगी मुझे आपकी कराची की। तो ये बताएं जैसे हमने आपकी पहले वाली ब्रांच की हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमें नर छुआरा दिखाया था, वो ब्रांच कहाँ पर है और ये ब्रांच कहाँ है, ये ज़रा लोगों को आप बताएं। ये ब्रांच 2 अपनी बनाई है अपना नाजमाबाद 1 नंबर ना ग्रेस टावर के नीचे जो सही वहाँ ऑफर भी अपनी चल रही है, बासमति चावल की बिरयानी है, सही है। 2 बिरयानी पे 1 बिरयानी, 2 पुलाव पे 1 पुलाव, 2 लस्सी पे 1 लस्सी फ्री और 2 गर्म दूध पे 1 गर्म दूध का प्याला फ्री। अच्छा ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बीच में भाई, इस ब्रांच ये जो ये वाली ब्रांच आपकी कहाँ है ये समझाएं लोगों को। ये वो तो बताया आपको नाजमाबाद 1 नंबर का, ये है अपना लियाकताबाद 2 नंबर, लियाकताबाद 2 नंबर में जी नारी हाउस है अपना, ये नारी का सेटअप है सही है, और ये डेयरी है जैसे कि आपको बताया देसी घी का तड़का, तो देसी घी फेमस हमारा यूँ कि मेरे घर का है, मेरा डेयरी का भी काम है, मेरा अपनी डेयरी भी है। अच्छा देसी घी आप सेल भी करते हैं? जी जी। अच्छा 1400 रुपए केजी जी, 14 1 नंबर जो 1 नंबर जी गारंटी, कोई चेक कर ले बिल्कुल कोई चेक कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे बनता है। अच्छा सही है, देसी घी। तो देसी घी जो है आपको कहीं नहीं फेमस मेरा, जैसे कि नर छुआरा था इसी तरीके से देसी घी का तड़का है मेरा, ये नारी बहुत फेमस है मेरी, आए और ये इलाका है डाखाने से आप जाएंगे ना 3 अट्टी की तरफ तो ये ब्रिज जाता है, उस गली में वाली गली में अंदर आ जाए जुम्मा पकवान पे। सही हो गया। तो आपकी टाइमिंग क्या है ये जरा लोग? टाइमिंग हमारी सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक आपको निहारी बिरयानी बासमती चावल में ये अपना पकवान है, जैसे कि शादी ब्याह के कोई भी ऑर्डर हो आपके अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू खाली आप बताएं आपको बासमती चावल में दिया जाएगा 100% और अपना जो है
आके एक बार ट्राई ज़रूर करें नारी भाई, ट्राई ज़रूर करें आके। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, एड्रेस आप, ताकि आप लोग इजीली पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई डील नहीं चल रही, अगर इस तरह की डील अवेल करनी है तो आपको नाजाबाद एक नंबर पे दो बिरयानी पे एक बिरयानी अपनी चल रही है। ये महीने का बाबर भाई से मैंने कहलवाया था कि बाबर भाई आप एक महीने की ऑफर दे दें, ऑफर दे दें, तो वो ऑफर अभी तक कंटिन्यू बाबर भाई से कहलवाया था तो कंटिन्यू चल रही है, जिसमें ये 15 दिन बाकी हैं, आप जाएँ तो उसका रिलीव ले सकते हैं और मेरा टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। सही होगा, टेस्ट भी चेक करें। और मेरी दोनों ब्रांचेस के जो मैं एड्रेस लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज से और हमारे यूट्यूब के पेज से मैक्सिमम आगे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।